और भाई उधर से गुजर जाओ ना, कैसे लोग हैं ये? अच्छा ये तो मैं हूँ। ये दुनिया की महंगी चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, 1.5 से 2 लाख की ये की है सिर्फ टोयोटा करोला क्रॉस की, 1.5 से 2 लाख की। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो कि आप सब ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको जहाँ भी रखे हमेशा खुश रखे, अपने हिफ्ज ईमान में रखे। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो टोयोटा क्रॉस 2022 के रिलेटेड है। टोयोटा क्रॉस के मार्केट में 3 वेरियंट्स इस वक्त आते हैं, लो ग्रेड, स्मार्ट, मिड ग्रेड। और भाई उधर से गुजर जाओ ना, कैसे लोग हैं ये? अच्छा ये तो मैं। सबसे पहला वेरियंट रो ग्रेड 1798 cc हाइब्रिड ऑटोमेटिक, जिसकी प्राइस अब 2022 में मार्च के महीने में 1.12 करोड़ है। सेकंड जो हमारे पास आता है वो है स्मार्ट मिड ग्रेड, ये भी 1800 cc है, हाइब्रिड है, ऑटोमेटिक है, और इसकी प्राइस है 1.20 करोड़। थर्ड जो आता है सबसे प्रीमियम हाई ग्रेड 1800 cc, ये भी हाइब्रिड ऑटोमेटिक है, इसकी प्राइस है 1.22 करोड़। फर्दर ये जिस वेरिएंट का आज रिव्यू कर रहे हैं ये मुझे ख़ुद नहीं पता है कौन सा वेरिएंट है, क्योंकि मैंने वीडियो तकरीबन 6 से 7 महीने पहले बनाई थी तो अपलोड करने का टाइम नहीं मिला, इसकी वजह से मुझे आइडिया नहीं है कि ये कौन सा ग्रेड है, लो ग्रेड है, स्मार्ट मेड ग्रेड है, प्रीमियम हाई ग्रेड है। लेकिन इसकी जो प्राइस है वो 94 लाख है, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये वीडियो 6 से 7 महीने की पहले की है, क्योंकि अब इसकी प्राइस काफ़ी इंक्रीज़ होगी, ये मिनिमम इसकी प्राइस 1.12 करोड़। एक्सटीरियर से स्टार्ट करते हैं रिव्यू। सबसे पहले एक्सटीरियर में हमारे पास फ्रंट हेडलाइट्स आ जाती हैं। फ्रंट हेडलाइट्स आप देख सकते हैं, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं, DRLs हैं, और एक ब्लू कलर की लाइन है जिससे ये शो करती है कि ये हाइब्रिड कार है। प्लस फ्रंट पे पार्किंग सेंसर्स भी अवेलेबल हैं। नीचे हमारे पास फॉग लाइट्स भी अवेलेबल है। मेट ब्लैक सामने ग्रिल दी गई है। काफ़ी फ्रंट से काफ़ी इसकी करोला क्रॉस की अच्छी लुक है। दरमियान में टोयोटा का हमारे पास एम्बलम है जो कि ब्लू है, जो शो करता है कि ये हाइब्रिड कार है। फर्दर हमारे पास एडजस्टेबल हेडलाइट्स हैं, फ्रंट हेडलाइट्स एडजस्टेबल हैं, DRLs हैं, वॉशर्स एंड वाइपर्स हैं। आप प्राइस इसकी देख सकते हैं 82-39 लाख, ये 6 महीने पहले की प्राइस है, अब इसकी प्राइस अराउंड 1.12 करोड़ टू 1.22 करोड़ इसके मिड में, डिपेंड अपॉन योर वेरियंट कि आप कौन सा वेरियंट ख़रीदते हैं टोयोटा करोला क्रॉस का। फर्दर इस पे भी प्राइस इसकी नहीं लिखी हुई, उन्होंने फ्रंट पे गाड़ी के डिस्प्ले की हुई है। गाड़ी में कलर्स की बात कर लें तो ब्लैक, ग्रे, ग्रेफाइट मेटैलिक, स्ट्रीम मेटैलिक, नेबुला ब्लू, प्लैटिनियम वाइट पर्ल और रेड मीका मेटैलिक हमारे पास कलर्स अवेलेबल हैं। फर्दर गाड़ी की साइड पे हम मूव करते हैं, साइड पे हमारे पास एलॉय व्हील्स आ जाते हैं। दरमियान में टोयोटा का लोगो है, सिंपल अलॉय व्हील्स हैं, ब्रिजस्टोन का टायर है हमारे पास, 215/60 R17 का हमारे पास अलॉय रिम है, 17 इंच के हमारे पास व्हील साइज़ हैं, प्लस हमारे पास वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक्स हैं रियर और फ्रंट 16 इंच की। अलॉय व्हील गाड़ी का इतना कोई ख़ास नहीं है, नॉर्मल डिज़ाइन है। फर्दर ऊपर हमारे पास मैट ब्लैक हाइब्रिड का लोगो है, रिट्रैक्टेबल मिरर्स हैं, विटर्न्स LED टर्न साइड सिग्नल्स, टर्न सिग्नल्स। फर्दर हमारे पास स्मार्ट एंट्री अवेलेबल है, राइट साइड पे हमारे पास बटन नहीं है लेकिन वन टच। फर्दर 205 mm इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है। ऊपर हमारे पास देखें तो क्रोम में हमारे पास स्ट्रिप्स अवेलेबल हैं डोर्स पे। सिंपल गाड़ी का रूफ है। फर्दर हम बैक की तरफ अगर गाड़ी के मूव करें तो जिस तरह फ्रंट का काफ़ी अच्छी लुक है गाड़ी की, इसी तरह बैक की भी काफ़ी अच्छी लुक है, सिमिलर है, ये गाड़ी की कंप्लीट बैक से लुक है। सबसे पहले हम ऊपर देखें तो शार्फिट एंटीना हमारे पास, हाई माउंटेड ब्रेक लैंप्स हैं, स्पॉइलर है, LED ब्रेक लैंप्स हैं, स्पॉइलर है, वॉशर है, नीचे वाइपर है। कॉम्पैक्ट SUV है इस वजह से इसमें वाइपर भी है। LED हमारे पास टेल लाइट्स हैं, टर्न सिग्नल्स हैं, रिवर्स लाइट्स हैं। और
जो 35 लीटर हमारे 36 लीटर हमारे पास फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, और करोला क्रॉस का रोगो है, टोयोटा ब्लू एम्बलम है, हाइब्रिड का लोगो है, वेरिएंट इसमें नहीं लिखा हुआ। फर्दर नीचे हमारे पास बैक कैमरा प्री इंस्टॉल्ड है, नंबर प्लेट की जगह है, मैट ब्लैक में हमारे पास रियर बम्पर है, इसमें भी पार्किंग सेंसर और रिफ्लेक्टर्स अवेलेबल हैं। बम्पर में हमारे पास सिल्वर टच दिया गया है, क्रोम नहीं है लेकिन सिल्वर है। ये इसकी की है गाड़ी की, फ्रंट से लॉक अनलॉक पैनिक बटन है, बैक पे टोयोटा का लोगो, दो कीज़ मिलती हैं हमारे पास स्मार्ट कीज़। फर्दर सबसे पहले हम बैक सीट पे चलते हैं और हेड रूम और लेग रूम चेक करते हैं। ये बैक पैसेंजर का डोर है, ब्राउन लेदर हमारे पास है, डोर ओपनर सिल्वर कलर का है, डोर पे ब्राउन लेदर है जो काफ़ी प्रीमियम लुक देती है गाड़ी को, कप होल्डर, ऑटो विंडो, स्पीकर। फर्दर गाड़ी का अगर बैक इंटीरियर चेक करें, ब्राउन लेदर सीट्स हैं हमारे पास विद 3 एडजस्टेबल हेडरेस, 3 सीट बेल्ट्स हैं हमारे पास, 5 सीटिंग कैपेसिटी गाड़ी में है, लेग रूम काफ़ी ज़्यादा गाड़ी में, हेड रूम तो SUV है तो हेड रूम तो डिसेंट है, बैक AC विंड्स भी हैं हमारे पास 2 विद फैन एडजस्टेबल। फर्दर ऊपर हमारे पास सिंपल कैबिन लाइट है। गाड़ी की उन्होंने मुझे बाद में प्रोवाइड नहीं की जिसकी वजह से मैं ट्रंक ओपन नहीं कर सका, इस वजह से ट्रंक नॉर्मल है जिस तरह SUV की होती है, लाइक किया स्पोर्टेज उसके इक्वल इसकी, प्लस हमारे पास इसमें स्टेपनी भी अवेलेबल है। फिर हम ड्राइवर डोर की तरफ चलते हैं, स्मार्ट कीलेस एंट्री हमारे पास, पुश स्टार्ट है। ड्राइवर डोर की तरफ चलें तो इस पर भी हमारे पास लेदर, प्रीमियम लेदर है जो प्रीमियम लुक देता है काफ़ी। मिरर कंट्रोल हैं, रिट्रैक्टेबल मिरर्स हैं, पावर विंडोज़ हैं, बोतल होल्डर, स्पीकर। ये गाड़ी के फर्दर हमारे पास ऑटोमेटिक नहीं है, इसमें सीट एडजस्टमेंट मैनुअल है, फ्यूल ओपनर का बटन है, बोनेट ओपन का बटन है, लाइट एडजस्टमेंट है, हेडलाइट एडजस्टमेंट, सिल्वर स्ट्रिप है हमारे पास, ब्लैक ब्राउन डार्क ब्राउन और हमारे पास सिल्वर का कॉम्बिनेशन है गाड़ी के इंटीरियर में। 3 स्पोक गाड़ी में स्टीयरिंग व्हील है। फर्दर अंदर बैठ के चेक करते हैं, सबसे पहले स्टीयरिंग पे हम आ जाएं तो 3 स्पोक है, ब्लैक और सिल्वर का कॉम्बिनेशन है, SRS एयरबैग भी अवेलेबल है, मीडिया कंट्रोल इज़ ऑन द लेफ्ट, दरमियान में टोयोटा का एम्बलम, एयरबैग राइट साइड पे हमारे पास क्रूज़ कंट्रोल है, राइट साइड पे हेडलाइट कंट्रोल है, लेफ्ट साइड पे वाइपर कंट्रोल है। ये गाड़ी का स्पीडोमीटर है, फर्दर हम इसको ऑन करके भी चेक करते हैं। लेफ्ट पे हमारे पास LCD एंड्रॉयड पैनल है, उसके नीचे हैजर्ड वार्निंग का बटन है, क्लाइमेट कंट्रोल है हमारे पास, LCD के कंट्रोल भी उसके लेफ्ट राइट पे हमारे पास अवेलेबल है, मूड कंट्रोल स्टीयरिंग पे अवेलेबल है। नीचे हमारे पास USB चार्जर है, हमारे पास ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है गाड़ी में, CVT ट्रांसमिशन, ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन है, डिफरेंट ड्राइव मोड्स हैं, पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव, स्पोर्ट्स। फर्दर 2 कप होल्डर की स्पेस अवेलेबल है, हैंड रेस्ट ऑल्सो अवेलेबल। गाड़ी की बूट स्पेस जो है वो 722 है, 722 लीटर्स। हैंड रेस्ट की भी स्टोरेज सेम है, इसकी जो हैंड ब्रेक है वो पॉम है हमारे पास, वंस यू प्रेस द हैंड ब्रेक विल बी रिमूव्ड। टिल्ट एंड टेलीस्कोप इज ऑल्सो अवेलेबल अंडर द स्टेयरिंग, जो कि इस सेगमेंट इस प्राइस की गाड़ी में एक नॉर्मल बात है। फर्दर उसके लेफ्ट साइड पे हमारे पास पुश स्टार्ट अवेलेबल है, मैनुअल डिमिंग मिरर है हमारे पास, ऊपर हम सनवाइजर में है तो हमारे पास फाइल होल्डर है, फर्दर लाइट के साथ हमारे पास मिरर है,
दरमियान में हमारे पास सिंपल लाइट्स हैं, वन क्लिक। लेफ्ट पैसेंजर पे भी हमारे पास डैशबोर्ड पे एयर बैग है और ऊपर सन वाइज़र में लाइट के साथ मिरर है। ये छोटी छोटी चीज़ें गाड़ी को काफ़ी अच्छी लुक देती हैं इंटीरियर से भी। फर्दर ब्लैक और बेज सीट्स हैं हमारे पास, सीट्स की कुशनिंग काफ़ी अच्छी है। फर्दर बोनट ओपन करते हैं और इंजन की तरफ चलते हैं एट लास्ट। उससे पहले गाड़ी का स्पीडोमीटर चेक कर लें। हाइब्रिड है, लेफ्ट साइड पे बैटरी शो कर रहा है हमारे पास, दरमियान में एनालॉग मीटर है, राइट पे एलसीडी है जिस पे डिफरेंट कंट्रोल्स। लेफ्ट पे हमारे पास एलसीडी है, नीचे क्लाइमेट कंट्रोल एलिमिनेटेड है, सारे बटन्स एलिमिनेटेड है। काफ़ी अच्छी लुक है मीटर की। फर्दर इंजन की तरफ चलते हैं, सबसे पहले इसकी माइलेज की बात कर लेते हैं क्योंकि ये हाइब्रिड कार है, इसकी 36 लीटर हमारे पास टैंक कैपेसिटी है। फर्दर इसकी हम जो उसकी बात कर लें फ्यूल माइलेज की, तो 18 किलोमीटर पर लीटर ये प्रोवाइड करती है विद इन सिटी और 20 किलोमीटर पर लीटर ये प्रोवाइड करती है हमें हाईवे पे। फर्दर आपको मैं बता चुका हूँ 1800 सीसी इसमें हाइब्रिड इंजन आता है। इसकी अगर टोटल गाड़ी की लेंथ की बात कर लें तो वो 4460 मिलीमीटर है। टोटल विड्थ की बात कर लें 1825 है। ओवर हाइट की बात कर लें 1620 है। और जो इसका व्हील बेस है वो 2640 मिलीमीटर है। टोटल जो गाड़ी का वेट है हमारे पास वो है 1325 kg। गाड़ी में हमारे पास ऑटोमेटिक CVT गियर बॉक्स आता है, CVT ट्रांसमिशन है गाड़ी में। फर्दर 17 इंच के हमारे पास अलॉय व्हील्स हैं। होप्स हो कि आपको इस गाड़ी का टोटा क्रोला क्रॉस का रिव्यू पसंद आया होगा। अगर तो पसंद आया तो काइंडली लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।